सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ 2 kg का फर्स्ट बर्थडे केक, और आप देख सकते हो काफ़ी शानदार बना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही केक क्लियर करके रख लिया था, और जो केक का स्पंज का साइज लिया था वो मैं 8 इंच का लिया था। 1 kg का 2 स्पंज लिया, और इस तरीके से हाइट आया है 2 kg का इसका केक बनने वाला है। तो मैं इसको सिंगल कटिंग पहले कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इस केक की आइसिंग करूँगा। और आप देख सकते हो सिंगल कटिंग हो चुका है। अब इस केक की आइसिंग करते हैं लाइट पिंक कलर से, आप देख सकते हो। तो चलिए इस केक की आइसिंग कर लेते हैं पहले। अब फोंडेंट का काम करते हैं। तो मैंने ब्राउन कलर का फोंडेंट ले लिया है। अब इसको बेल के नंबर 1 कटिंग करना है कटर से। तो देखिए मैंने बेल लिया इसको, अब इसको कटर से 1 कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करके रख लिया, उसके साथ स्टार भी कटिंग करके रख लिया था। अब एक राउंड कटर से नेम प्लेट काट लेते हैं इस तरीके से, जिसमें नाम लिख के उस केक में लगाएंगे। तो देखिए इसको भी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद नाम लिखते हैं एक ब्रश से, और अब देख सकते हो जो गोल्डन कलर है ये एक डस्ट है, और उसमें ऑयल मिला के इस तरीके से लिक्विड करके इस तरीके से लिख रहे हैं। तो मैंने नाम लिख के उसको रख दिया है। अब इसको गोल्ड कर लेते हैं नंबर 1 को, और स्टार को भी देखिए। और मैं आपको पहले भी बताया था कि जो मैं गोल्ड कर रहा हूँ, जो गोल्डन कलर है ये एक डस्ट आती है एक डब्बी में, और उसमें ऑयल मिला के इस तरीके से लिक्विड किया जाता है। तो चलिए मैं इसको गोल्ड कर लेता हूँ पहले। Till my shadow turns to sun rays and I... तो मैंने गोल्ड करके रख दिया है, और इस बैलून को भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से पैकेट में आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा इस तरीके से बैलून। देखिए मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले। तो मैंने निकाल लिया है, देखिए काफ़ी सामान है इसमें, बैलून से है, उसका स्टैंड भी है। तो देखिए इसको फुलाने के लिए पहले पानी डालने पड़ता, थोड़ा सा पानी डालोगे ताकि जो गोल्डन कलर का वो अंदर है ना, वो इधर उधर चिपक जाए ताकि वो नीचे ना आ जाए। तो देखिए मैंने
पानी डाल दिया इसके अंदर, अब इसको फुला लेता हूँ। देखिए इस तरीके से आप मुंह से भी फुला सकते हो अगर आपके पास इस तरीके से मशीन नहीं है फुलाने वाला। तो देखिए इस तरीके से मैं फुला लिया, अब इसको थोड़ा इस तरीके से करेंगे तो देखिए चिपक जाएगा, ये देखिए। अब इसके अंदर इसको लगा देंगे ताकि जो बैलून है वो पूरा स्ट्रेट खड़ा रहे। देखिए इस तरीके से इधर से घुमा के उधर से निकाल देते हैं तो ये ऑटोमेटिक कर जाता है। देखिए हो चुका। उसके बाद इसमें डंडा डाल देंगे छोटे से, पहले वाइट वाला डालेंगे उसके ऊपर, उसके बाद दूसरा वाला भी उसी के अंदर घुसा देंगे। देखिए इस तरीके से अब इसको, इसका बो आया था उसको भी लगा देता हूँ पिंक कलर का। और इसमें एक गम आता है उसी थैली में रहता है, तो इस गम को उसमें चिपकाएंगे, उसके बाद उस बो को चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से चिपकाना है। ये देखिए बो को चिपका दिया मैंने, ये कंप्लीट हो गया। अब नेम प्लेट केक में डाल देंगे, उसके बाद केक की ड्रिपिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से जो लिख के रखा था मैंने उसको लगा दिया। अब केक की ड्रिपिंग करेंगे, उसके बाद केक को पूरा डेकोरेशन करेंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... कंप्लीट रेडी हो चुका है और देख सकते हो क्या शानदार लग रहा है। और आप भी कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना।